So welcome, Emily Singh, for the for thank you for coming on the show. I Thank you hope so much, Gurmeet. It's my pleasure. thank you, ma'am. So quickly jumping करते हैं, एक question मुझे पूछना था, जो कि सबसे पहले question है, वो है, काफी चीजें आजकल हुई हैं यूएस में, खासकर ब्लैक लाइव प्रोटेस्ट मैटर था, जॉर्ज फ्लॉयड हुआ, पुलिस का इशू है. रिसेंटली आपको जस्टिस ऑफ द पुलिस एक्ट में, आपको स्पेशल कमेटी में आपको रखा गया है, उसके बारे में कुछ बताएं. जी, जैसे आपने बताया गुनीत, आजकल हम हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं सब कि रेसिज्म बहुत देर से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम लाइक सिंस कैनेडा वाज फॉर्म्ड। पर है कि रेसिज्म के बारे में चर्चा इतनी कई बार नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत कुछ, स्पेशली हम कहेंगे कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन ने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव भी किया है। तो कई बार उन चीजों को लेके हम ये सोचते हैं कि बिकॉज अवर कम्युनिटीज हैव डन सो बेटर, या हम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, हम पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं, तो कहीं ना कहीं रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारा, आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन लॉट ऑफ अस हैव, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट रेसिज्म एग्जिस्ट। एंड स्पेशली जिनसे तुमने बात की कि इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द यूएस, जॉर्ज फ्लॉयड का जिनसा इंसिडेंट, जिनसा की एक एक आई थिंक की क्रूशियल पॉइंट की तरह उभरा है, जिसने एक हिस्ट्री में पूरी टर्निंग मूवमेंट, पॉइंट है. हाँ, टर्निंग पॉइंट हो गया हिस्ट्री में, कि जिसने एक मूवमेंट तैयार कर दी जो सी ब्लैक लाइव मैटर की। पर उससे पहले भी हम कनाडा में भी इंडिजिनस लाइव मैटर के बारे में भी काफी कुछ सुन रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिजिनस लोगों के साथ जो सा सिस्टेमिक रेसिज्म वो कब से ही चल रहा है, जिनकी ये मूल जी धरती है उनके ऊपर जी वो जो सा अत्याचार इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो गवर्नमेंट्स अपनी तरह से, जैसे रिकंसिलिएशन, मैं अपनी अपनी सरकार का कहूंगी कि उनका पूरा मैंडेट रहा है रिकंसिलिएशन का। एंड लुकिंग एट द इंसिडेंट्स व्हिच हैव हैपेंड रिसेंटली, ये भी देखने को आया कि पुलिस में इटसेल्फ सिस्टेमिक रेसिज्म है, ये बात उभर के आई है। और प्रीमियर हॉर्गन, आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, और उन्होंने कमिट किया था कि एक ऐसी ऑल पार्टी कमेटी बनाएंगे जो इन इश्यूज को, सिर्फ कि पुलिस एक्ट चेंज करने की तो बात होगी, क्योंकि पुलिस एक्ट 45 साल पुराना है, इट नीड्स टू बी जी रिवाइटलाइज्ड। पर उसको एक ऐसे नजरिए से देखना, जब हम रिवाइटलाइज भी कर रहे हैं तो जो से इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे वो सिस्टेमिक रेसिज्म एक वन ऑफ द इश्यूज है, मेंटल हेल्थ, हार्म रिडक्शन, ये वाली चीजों को हम फोकस में रख के उसमें चेंजेस लेके आए। तो यही कमेटी 2 दिन पहले, जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सॉलिसिटर जनरल है माइक फार्नवर्थ, ही जी कॉन्स्टिट्यूटेड इट, ही अनाउंस्ड इट इन द लेजिस्लेचर, और मुझे बहुत ही इस बात का मान है, बहुत आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी। आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और एक कोविड के टाइम और एक हिस्ट्री के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पे आपको एक स्पेशल कमेटी में एक जाने का एक मौका मिला है और रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है. एक जो जस्टिस इश्यू है, जो एनफोर्समेंट इश्यू है, लॉ एनफोर्समेंट इश्यू है, खासकर बीसी में, और सिस्टमेटिक रेसिज्म है. अभी हमारे यहाँ टास्क फोर्स भी बनी है बीसी में अराउंड सिस्टमेटिक रेसिज्म, जो कि एक 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 अलग एंटी अलग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो रेसिज्म जो देखा गया है रिसेंट केसेस में भी. तो आई थिंक कि बहुत सारा काम है इसमें. तो आप किस चीज किन चीजों पे आप लोग ध्यान देने वाले हैं, आपका पर्सनल कुछ एक अप्रोच रहेगा. मेरा गुनीत, अगर इफ यू लुक एट माय बैकग्राउंड, मैं बहुत देर से ह्यूमन राइट्स जो से इश्यूज हैं उनमें मेरा वैसे ही बहुत पैशनेट रही हूँ। जी ह्यूमन राइट्स, वेदर दे आर हियर इन कनाडा और वेयर एवर इन द वर्ल्ड, स्पेशली जहां से मैं आती हूँ इंडिया से, मैं जी काफी इंटरेस्टेड रहती हूँ उसमें भी। जी इसके लिए आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनसे मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई बार लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाती है कि रेसिज्म नहीं एग्जिस्ट होता यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत अच्छी जिंदगी बतीत कर रहे हैं कंपेयर टू अमेरिका, जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक लाइव्स के बारे में चर्चा आता रहता है। यहाँ पे कई चीजें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के साथ उस लेवल पे नहीं हो रही है, तो हमारी कम्युनिटी किसी तरह, मैं कहूंगी कि एक भुलेखा रह जाता है कि मे बी दीज थिंग्स डोंट हैपन, क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रही है। जब जैसे अब हमने पिछले कोविड की तुमने बात की, तो कोविड में हमने देखा कि जैसे चाइनीज कैनेडियंस हैं, एशियन जी कैनेडियंस हैं, उनके प्रति बहुत गुस्सा और उनके प्रति बहुत ही गंदा तरीके का रेसिज्म उभर के आया, जो सब पहले हाँ नहीं जी हमें नजर आ रहा था। बिल्कुल तो जी वी थॉट, और कि लोगों को लगता है कि जस्ट कोविड करके ये रेसिज्म की समस्या आ गई है, इट इज नॉट लाइक दैट। रेसिज्म हमारे कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस में वो बसा हुआ है,
एक कि कि गुस्सा निकालना है, गुस्सा तुम्हें कोविड के करके तुम परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो हाउ कम लाइक दैट एशियन कनेडियंस बिकम द टारगेट फॉर दैट? या जैसे 9/11 आया था तो हमने देखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ गुस्सा आ गया था बहुत ज्यादा, इस्लामोफोबिया का जिसका बहुत बढ़ावा हुआ उस टाइम पे, और कई उसी दौरान कई बार जैसे सिख पॉपुलेशन है बिकॉज दे लुक लॉट ऑफ टाइम्स लाइक उनका लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, वो भी टारगेट में आए थे, तो कई बार लोग कहते थे कि वी नीड टू डिफरेंशिएट, वी नीड टू टेल देम कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम सरदार हैं। जी. और मेरा हमेशा से इस बात पे इतराज रहा है, इट इज नॉट, जो सा एक रेसिस्ट आदमी है उसके लिए ये मायना नहीं रखता है कि तुम क्या हो, तुम एशियन हो या तुम मुस्लिम हो या तुम इंडिजिनस हो या तुम ब्लैक हो, वो रेसिज्म इज रेसिज्म, और वो आज एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, कल किसी और को करेगा। वी रियली हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस, और उसका हमें उसका सुधार करना पड़ेगा, रादर देन वी डू द बैंडेड जैसी पॉलिसीज लगा दें कि हाँ आज इस इशू को हम इस पे बात कर लेते हैं, आज इस पे कर लेते हैं, टू टेक अवे रेसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द सिस्टेमिक रेसिज्म जो सा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसा हुआ है। तो इट इज लाइक टू ब्रिंग आउट दो चेंजेस कि हम जो सी सोसाइटी जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जस्ट सोसाइटी, वो हम बना सकें।